नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें, देश दुनिया के ताजा समाचार इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि गोदी मीडिया और विशाल कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए। इसके लिए आपको करना क्या है, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और लगातार हमारे साथ बने रहना है। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, ट्विटर को अदालत की फटकार, इस्लामोफोबिया के ट्वीट डिलीट करना काफी नहीं है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने और किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत और डर का माहौल बनाने वालों के खिलाफ अदालत ने सख्त रवैया अपनाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा है कि वह बताए कि जब कुछ लोग इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, तब वह आखिर चुप क्यों रहा। अदालत ने इस अमेरिकी कंपनी से यह भी पूछा है कि उसने पहले दिए नोटिस का जवाब आखिर अब तक क्यों नहीं दिया। आगे दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, ट्विटर को फटकार लगाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को किसी धर्म से जोड़ना पूरी तरह से गलत है और इससे जुड़े ट्वीट को सिर्फ डिलीट कर देना पर्याप्त नहीं है। तो वहीं दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को ये भी बताते चलें, एक वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह शिकायत की थी कि कुछ हैशटैग से इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, इसके लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्विटर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लगातार गोदी मीडिया और अंधभक्तों और बीजेपी की तरफ से निशाने पर लिया जाता रहा है मुसलमानों को, और मुसलमानों को यहाँ पर देश भर में कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर के ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट और वहां से ट्विटर को लगी है जबरदस्त तरीके की फटकार। तो वहीं दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है आप लोग जरूर बताइएगा। इस बीच दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कसा है तंज, कहा दोनों संविधान को नहीं मानते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर के निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने उन्हें संविधान और नियम नहीं मानने वाला करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों ने दबाव और पैसे से पहले गुजरात को चलाया और अब देश को चलाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि ऐसे हालात में प्रजातंत्र जिंदा आखिर कैसे रहेगा, बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वो किसी से भी नाम वापसी करा लेंगे और निर्विरोध चुनाव जीत लेंगे। प्रजातंत्र के लिए यह जो 20 से 25 करोड़ हो रहा है, क्या यह अच्छा है। दिग्विजय सिंह ने आगे आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, बीजेपी ने पैसे देकर उन्हें अपनी सदस्यता ग्रहण करवाई है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर और कहा है कि दोनों संविधान को नहीं मानते हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले टेप कांड के बाद संजीवनी घोटाले में भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम, सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर से निशाना साधा है और केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम टेप कांड में आया और अब संजीवनी घोटाले में भी आया है, सरकार ने अब तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया है और कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये चिंता का विषय है। आगे आप लोगों को बता दें कि संजीवनी क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी घोटाले में शिकायत में शेखावत के साथ ही उनकी पत्नी और अन्य के नाम भी शामिल है। इस घोटाले में हजारों निवेशकों ने कथित तौर पर करीब 900 करोड़ रुपए गंवाए। इसी पूरे मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जोरदार हमला बोला है और उनको केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की मांग की है यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इस बीच दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, केरल कर्नाटक में छिपे हैं आईएसआईएस के 180 से 200 आतंकवादी, यूएन की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों की काफी संख्या हो सकती है और इस बात पर भी ध्यान दिलवाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में
अलकायदा आतंकवादी संगठन क्षेत्र में हमले की साजिश रच रहा है। माना जाता है कि इस संगठन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के 150 से 200 आतंकवादी हैं। ये यहाँ पर दोस्तों यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी शासित राज्य पत्रकारों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यूपी के बाद अब एमपी में पत्रकार की बेरहमी से हत्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद अब मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक पत्रकार की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर करगवा और पुत्री खेड़ा गांव के बीच की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकार सुनील तिवारी पर बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब वो अपने गांव पुत्री खेड़ा लौट रहे थे। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या है कानून व्यवस्था का हाल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है, रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों से कमाए 428 करोड़। तो राहुल गांधी बोले, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेनों द्वारा 428 करोड़ रुपए कमाई करने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्रालय पर जमकर के निशाना साधा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, यूपी में अपराधी बेलगाम, अफसर के घर जाकर के खुलेआम धमकी दे रहे हैं गुंडे, अधिकारियों तक को लगानी पड़ रही है सुरक्षा की गुहार। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं रह गया है। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे देख के लोग अब यह कहने लगे हैं कि योगी राज में यूपी में कानून का बदमाशों में कोई भी खौफ नहीं रह गया है। अपराधियों ने हाल में कई ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिससे उनके बुलंद हौसलों का प्रमाण मिलता है। पहले कानपुर में 8 पुलिस वालों को मार दिया गया, फिर कानपुर में ही बदमाश एक लैब टेक्नीशियन को अपहरण करते हैं और पुलिस के सामने से 30 लाख रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं। बाद में लैब टेक्नीशियन की मौत की खबर आती है। उसके बाद गाजियाबाद में एक पत्रकार को गुंडे सरेआम मार देते हैं। उस पत्रकार का दोष बस इतना था कि उन्होंने गुंडों को अपनी भांजी से छेड़छाड़ करने से रोका था और उसकी शिकायत पुलिस में कर दी थी। अब तो गुंडे सरकारी लोगों को भी घर में घुस करके धमकी देने लगे हैं। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने मथुरा के एसडीएम के घर जाकर के उन्हें देख लेने की धमकी दी है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक एसडीएम राजीव उपाध्याय ने डीएम और एसपी को पत्र लिखकर के घटना की जानकारी दी है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है डीएम और एसपी के सामने। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इन सारी घटनाओं के सामने निकल के आने के बाद ये बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और जंगल राज कायम हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। कब किसको कहां पर गुंडे बदमाश मार दे ये नहीं कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। इसलिए विपक्ष भी लगातार हमलावर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। और इस बीच आप लोगों को दोस्तों ये भी बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी योगी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और लोग सोशल मीडिया पर भी लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता ने कसा तंज सिंधिया को बताया नाग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने को लेकर के कांग्रेस के नेता लगातार सिंधिया पर तंज कसते रहते हैं। इस बीच नाग पंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सिंधिया पर जमकर के निशाना साधा है। अरुण यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो ट्वीट करते हुए नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं और आप लोगों के सामने वो ट्वीट भी है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन हटाने की मांग पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा हटा दूंगा लेकिन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन ना हटाने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र से जल्दबाजी में लॉकडाउन ना हटाने का उनका फैसला सही है और वो इस पर मजबूती से अभी भी कायम है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि
जो लोग लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या वो लोग कोरोना वायरस से हो रही मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं उन लोगों पर उद्धव ठाकरे, जो लोग लगातार लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। आजम खान का ऐलान, कहा राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रण नहीं मिला तो सरयू में लेंगे जल समाधि। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसी कड़ी में मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान ने अयोध्या पहुंचकर एक प्रतिज्ञा ली है। उनका कहना है कि अगर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में उनको नहीं आमंत्रित किया गया तो वे उसी दिन सरयू में जल समाधि ले लेंगे। उनका मानना है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन किया है, वह भगवान राम को मानने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर के प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को घेरा, बोली भयावह है स्थिति, नो टेस्ट नो कोरोना की नीति को छोड़ें। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रति चिंता जताते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पत्र लिखकर के हालात से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ भयानक दिक्कतें सामने आ रही हैं। बेड की बड़ी किल्लत है, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन है, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी से बदहाली की खबरें लगातार सामने निकल के आ रही हैं। मैंने सीएम साहब को पत्र लिखकर के कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। यूपी सरकार को हट छोड़ करके एक पारदर्शी और जनहित वाली नीति अपनाने की बहुत जरूरत है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से अब गांव देहात भी अछूते नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना की नीति अपना रखी थी और अब कोरोना के मामले विस्फोट की स्थिति में हैं। जब तक पारदर्शी तरीके से टेस्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी और हालात और भयावह होते जाएंगे। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने। और यहाँ पर एक पत्र भी लिखा है सीएम योगी को और दिए हैं सुझाव प्रियंका गांधी ने। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत